श्वास श्वास ते हरि भजो व्रता श्वास मति खो इसी भारत भूमि पर रतनपुरी नाम की राजधानी में एक बड़े प्रतापी राजा हुए जिनकी यश ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। पत्नी का नाम पतव्रता दुलारी है और महाराज का नाम महेदराय है। लोगों प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले महाराज महेदराय, परमपिता परमात्मा ने सब कुछ दिया सब कुछ दिया, लेकिन पुत्र रतन नहीं दिया। कैसे है वो राजा महेदराय पति? महेदराय गुणवान सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप रे दुलारी कानन प्यारी। सब कुछ दिया है लेकिन भगवान ने कोई पुत्र रतन नहीं दिया है। जब पुत्र रतन नहीं दिया है, एक दिन पतव्रता दुलारी फूट फूट के रोने लगी है और भगवान से प्रार्थना कर रही है, अरे ईश्वर तेरी नजर निराली। रानी पतव्रता दुलारी ने बार बार बाध्य किया है, बार बार बाध्य करने पर महाराज महेदराय ने अजय नगर से मायावती नाम की कन्या के साथ में दूसरी शादी की है। बेटा प्रदीप दुल्हन बन करके रतनपुरी में आ गई है। दोस्तों एक महेदराय के यहाँ हिरण पालतू रहता है, महाराज के यहाँ एक नौकर नौकरी करता है जिसका नाम कोतवाल है, उससे मायावती का हित हो गया। हित लोगों जब हित हुआ है महाराज के द्वारा मायावती की कुच्छा से और दो बेटों ने जन्म लिया है, एक पुत्र का नाम रोशन है और दूसरे बेटा का नाम विजय है। हुआ क्या, एक दिन वो कोतवाल पहरेदारी कर रहा है, अड्डे पर स्नान करने के बाद में वो मायावती अपने केसों को सुखा रही है। स्त्री स्नान करने के बाद में और केसों को सुखाए
कितनी भी कुरूप हो लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा होती है वो बहुत सुंदर लगने लगती है। बेटा अरे कोतवाल को देख खुशियत मायावत छाई, साधु आ गया है और साधु ने आकर के जवाब दिया भैया ये हिरण घूम रहा है, हिरण क्या है? अरे महल में एक साधु आयो, मेरा गाली ओ देख बचन फ्री ऐसे फरमायो, अरे अरे सुनी जब कोतवाल पानी साधुओं से रंगे बाग से आई गई रानी, अरे सुनी जब कोतवाल पानी साधुओं से रंगे बाग से आई गई रानी, अरे बचन सब सुनियो सुखियानी। बेटा प्रदीप मायावत से कहे दुष्टयों को तबाल बानी, जवाब दिया है कोतवाल ने मायावती, सज्जनों एक साधु ने अवगत कराया है जो इस हिरण की आम उसको खाएगा वह अपने मुख से नित्य लाल उगलेगा। कोतवाल ने हिरण की आमस मायावती के द्वारा तैयार करवाई है, कोतवाल से पहले दोनों बेटाओं ने आमस को खाया है, सुबह विजय के मुख से लाल नहीं निकला है बेटा मुन्नेस। साधु के कहने के अनुसार प्यार में अंधी औरत बेटाओं की जान के लिए हावी हो गई है, ये समाचार पत्रवर्ता दुलारी को अवगत हो गया है, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है मेरे भैया, रो रो कर सारा हाल दोनों बेटाओं से कहा है, बेटा तुम्हारा काल तुम्हारी माँ मायावती बन गई है, क्योंकि वो कोतवाल तुम्हें खाने की पूर्ण तैयारी में है, तुम्हारी आमस बनाई जाएगी। तो जो दोनों बेटा रोकर के बोले हैं भैया रेना नैया पर हमें मैया सुन दर दिया उठो चलो तीनों जने बली करें
जवाब दिया, भैया अब हमें समझदानी में नहीं रहना है, चलो कहीं परदेश में चले गए। तीनों प्राणी चले मेरे भैया, आधी रात्रि का समय। चलत चलत तीनों जने आए बम्बई धाम, भूखन प्यास से मर रहे, उड़ी रहे होश तमाम। बम्बई धाम में तीनों प्राणी पहुंचे हैं, सुबह हुआ है, रतनपुरी में कोहरा मचा है। महाराज महेंद्र राय रो रहे हैं और रो रो करके कह रहे हैं, बेटा प्रदीप, अरे राजा रोवे व्याकुल होवे, मेरे कांगड़े पुत्र जान ले कोई छोड़ी हमारी नागरिया। चौपाटी के घाट पर तीनों प्राणी सो जाते हैं।
किस्मत के पास पलट गए तो सोइए पुत्र अजान, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी, और बंबई शहर की सुनियो रे सौदागर जहाज में माल लाद कर उसी चौपाटी के घाट से गुजरा तो रानी पतिव्रता दुलारी भी सो रही है और छोटा बेटा विजय सो रहा है। ललप्रति उस सौदागर ने देखा है पतिव्रता दुलारी सुंदर ही इतनी है, बड़ी सुंदर है। अरे सुनो मेरी फरियाद, अरे जहाज रोला दिए सौदागर, रानी को देखो हुसन पड़ो सौदागर। नौकर लो बुलाया
पतिव्रता दुलारी को उठाया और जहाज में लिटा करके वो सौदागर चला गया। अब कहानी कुछ और बदल गई। का बदली? बेटा विजय जगो है और भाई चौपाटी के घाट पर रोने लगो है, कह रहा है कि मैया बोल तो सुनाई दे, कहां पे गई है नाता तोड़ के, क्या बात है मैया बोल तो सुनाई दे, कहां पे बटियारी को गांव रह लला चक्करपुर बाई गली से है के जाए रहो बा बटियारी तो परमात्मा की कृपा ऐसी भाई तो कोई पुत्र नहीं था। रोशन बंबई से रमे विजय एक भटियारी के घर रहने लगा। दोस्तों पतिव्रता दुलारी सौदागर के साथ भारी मुसीबत का सामना कर रही है। इज्जत का भूखा भेड़िया रानी की इज्जत से रंगोलियों मनाना चाह रहा है। भय के कारण वायदा किया है कि एक वर्ष तक तू मेरा धर्म का भैया, एक वर्ष के बाद मैं तेरी अर्धांगिनी तू मेरा पति। दुष्ट नीच से करी दो ऐसो कॉल करा लो भैया, ऐसो कॉल करा, करुणा करे पुकारी हो भैया, करुणा करे पुकार। भगवान से प्रार्थना कर रही है वो दुखिया भाइयों, साधु ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। लला प्रदीप चक्करपुर में भटियारी के यहाँ पहुंचा, पलंग पर सो रहा है विजय, सारा हाल बता दिया कि जो इसकी आम उसको खाएगा वो अपने मुख से लाल उगलेगा। मेरे भैया भटियारी ने शब्दों को सुना है, शराब पे मंगाई है और धोखे में बेटा को पिला दी है, नशा जब आ गया है हाथ में हाथ को पकड़ा और भटियारे के पास ले पहुंची। विजय को पलंग पर कस दिया है और भटियारे से काय से जंगल में ले जा और जान से मारना है। अब हमें इस पुत्र की आवश्यकता नहीं है।
और लेकर के वो भटियाला जंगल में पहुंचा है और जंगल में पलंग पर कसा हुआ विजय को छोड़ दिया है। हृदय में दया की भावना जागृत हो गई है। विचार किया ऐसे हम क्यों मारे, इसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। ओ भाई जंगल में कहीं से बेटा चार महात्मा आई है, चार बाबा आई है। उनके गुरुजी पांच चीजें छोड़ गए थे, गुदड़ी खड़ाम कढ़ाई और छड़ी और तीर कमान। अब चार महात्मा रहे और पांच चीजें रहे, बताओ फैसला कैसे हो जाए। अब दो चीजें किने दें जाए, उनमें तासी रहे गुदड़ी बामन लाल देती थी रोजाना, तो खड़ामू ऐसे थे गुरुजी के जहां पहन करके वो इच्छा करो वहां पहुंच जाए तो वहीं पहुंच जाते थे। कढ़ाई सुंदर सा भोजन बनाती थी और छड़ी मांस से गधा बना देती थी और गधा से मनुष्य बना देती थी। छड़ी में ये तासीर थी और तीर कमाने की तो कुछ पूछो मेरे भैया। अरे सुन साधु के वचन खुशी कुमार जी खुशी भाओ मन वापस आऊंगी। फिर कोमा मन में कहीं नाच दिखलाऊं,
जवाब दिया है, मेरे साथ चलो, हमारे यहाँ मेहमान आए हुए, उन्हें नाच दिखाना है। दोस्तों बटियारी अपने साथ एक बहुत सुंदर वेश्या को लाती है, बहुत सुंदर बेटा प्रदीप। बुंदो रंडी मंडली लाई साथ लिवाई, पटियारे ने प्रेम से लियो साज मिलाए। दोस्तों नाच ऐसा हुआ, किन शब्दों में वर्णन किया जाए, बहुत सुंदर नाच हो रहा है सभा के मध्य में। विजय ने छड़ी को घुमाकर मारा भटियारी और वेश्या को गधैया बनाया है, साजंदा गधा बनाए, उनके ऊपर माल लादकर चक्रपुर से प्रस्थान किया है। दिन लाती सफर कियो भाई महाराज रोशन को विजय ने प्रणाम किया है और जवाब दिया, महाराज हम आपके शहर में तमाशा दिखाने के लिए आए, लेकिन का उनका उपेचा ना पाओ बेटा। रोशन ने जवाब दिया, आज रात्रि को हमारी सभा में तमाशा होना है, हर जगह सूचना की है, एक पत्र सौदागर के लिए भेज दिया है, रानी को साथ लेकर सौदागर भी तमाशा देखने के लिए आया है। बेटा प्रदीप, विजय ने छड़ी के द्वारा उनको मनुष्य बनाया है, आगे गौर करते हैं विजय के, विजय को पिछली याद आ जाती है। जब भावसभा में नाच खुशी सभा में नृत्य हो रहा है, महाराज
तमाशा तो बहुत सुंदर करते हो। अरे विजय कुमारियों कहीं न लगो मैं शहर लखनपुर में जाया। किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं चलता। लाला प्रदीप अरे बहुत दिनेन में भैया मोको अपने लघु भ्राता विजय के ऊपर ऐसे गिरे जैसे कटे कटा हुआ वृक्ष जमीन पर गिरता है। गिरे और रोकर जवाब दिया लाला अरे बहुत जा सारी बहुत दिन में भैया
सौदागर के पास बैठी पतिव्रता दुलारी ने जवाब दिया, बेटा रो नहीं, मैं आपकी माँ हूँ। एक दूसरे के कान में आवाज पड़ी है, लाला मैया लई पहचान के छाई खुशी अपार, विनती करे भगवान से दोनों राजकुमार। लाला आज सौदागर को गधा बनाओ, गोमा में दई छड़ी जमाए, कोई तुरत कधैया गोमा की और जंगल को दई पठाए। कोई जिसने रहम संग में की ओ मोहम्मद मंदी लो बनाए, कोई शेर बम्बई को माल कहे मोहम्मद सुन ले कान लगा। सारे राज काज को छोड़ के जा कहाँ रहे हो? जवाब दिया, मैया घबराओ ना, हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। भाई और रोशन ने जवाब दिया, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बंबई शहर का मालिक मोहम्मद को बना दिया है, मैं वापस अति शीघ्र आऊंगा, अति शीघ्र मेरा वायदा है। आगे गौर करते हैं, और रथ में लई बैठार रे दुलारी भैया रानी। अरे करते चले मुकाम होई जा ठाम सुनो सुख्यानी, और करते चले मुकाम
करके रतनपुरी में महाराज मेहदराय के बगीचा में फोस को टिका दिया। माली ने देखो विचार किया, हमारे महाराज के ऊपर धावा बोलने के लिए कहां से कौन राजा आया है जिसके साथ बहुत सारी सेना है। जाकर के महाराज मेहदराय को अवगत कराया है। महाराज अपने बाग में किसी राजा ने आकर पड़ावे डाल दिए, काफी फौज उसके साथ है, हाथी घोड़ों का दबदबा है। आगे ध्यान देते महाराज मेहदराय बगीचा में पहुंचे हैं, बेटा की नजर अपने पिता के ऊपर पड़ी है। बेटा देविंदर चबल सुन के करो, अरे दौड़ के चढ़ स्पर्श करो लाला, हम तो यही कहेंगे भैया माँ और बाप के घर से कभी संतान पूर्ण नहीं हो सकती। जब तने सुन के पेन कुमर उठ जाए, जवाब दिया है लाला। दोस्तों महाराज मेहदराय ने अपने दोनों बेटों को अपने सीना से लगा लिया है। जवाब दिया लाला, तुम ऐसे हमें छोड़ गए, राजा बचन ऐसे कर रानी सुनो रोशन विजय ने सारी कहानी अवगत कराई है। आगे हुआ क्या? अब गो भूपत दरबार भबक गो ही हो, जाने बुलाए ले जल्लाद ने हुक्म हाई दे दियो। हुकुम आई थी
भगवान का नुकसान नहीं होगा। कर लियो भजन भगवान सज्जनों, देखने वालों के कलेजा दहला गए। जवाब दिया, बुरे कर्म का ये बुरा नतीजा होता है। भैया हुआ क्या? राजा भारी मगन, अरे लग रही लगन हुलस रोहियो, जाने रानी को तक पहुंचाई शिवम कैसेट के सौजन्य से। हमारा मोबाइल नंबर 97 20 18 68 74 है और हमारा दो शब्दों में परिचय। मिजाजी उर्फ प्रदीप बेटा मेरो चिमटा मधुर बजावे, और यंग यंग पे तरकी बेटा चिमटा खूब नचावे। शिवम के चिट्ठी बदाना में जन चिमटा दो छटकाई।
न बहे दूध की धार। लला महाराज सुनाई दई मैंने गाथा भरपूर, महाराज सुनाई दई मैंने गाथा भरपूर। सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर, महाराज तुम्हारे हो चरण को दास। और छोटो सो मेरो ग्राम है लोहब, छोटो सो मेरो ग्राम है लोहब, भजन और तो फरमाशे तो कोई बड़ी बात ना है। अरे दीवानी बंदे भजन बिना पछताइए, दीवानी बंदे भजन बिना पछताइए। समझ लेना, अरे समझी की समझ लेना।